सिंगरौली केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों को लेकर यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय आह्वान पर व युवक कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यूथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चेक बेड़न में मशाल जुलूस निकाला। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, भाजपा की प्रदेश सरकार मुर्दाबाद जैसे नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में युवक कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी कार्यकर्ताओं के हाथ में मशाल जल रही थी। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। 15 महीने तक रही कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया था, जो अब साफ हो गया है, सरकार ने माना है। इसके बाद भी उस सरकारी रिपोर्ट को अब भाजपा की सरकार झूठा बता रही है। की सरकार थी, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी रही हो, उनके समय में किसानों के हित के लिए हरित क्रांति लाई गई। राजीव गांधी जी के समय में श्वेत क्रांति लाई गई। हमारे मनमोहन सिंह जी की सरकार में किसानों के करोड़ों रुपए कर्ज माफ किए गए। अभी हमारी कांग्रेस की सरकार, आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार ने भी 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए। हिंदुस्तान किसान कृषि प्रधान देश है और अन्नदाता हमारा भगवान है। उस अन्नदाता के साथ नरेंद्र मोदी ने ऐसा बिल ला करके उद्योगपतियों के हाथ अन्नदाता को बेचने का काम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। जो मंडियां हैं उनको खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यदि मंडियां खत्म हो गई तो क्या सिंगरौली का 2 एकड़ का किसान अपना 2 क्विंटल गल्ला ले जाकर के दिल्ली या हरियाणा में बेचेगा? और कुल मिलाकर के उनका उद्देश्य ये है कि किसी भी तरह से किसानों को उद्योगपतियों के हाथों बेचने का, जो MSP है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, उसका भी उन्होंने क्लियर नहीं किया है। जब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस सरकार खत्म कर देगी तो निश्चित तौर पर किसान मजबूर हो जाएगा कि वो अपना अनाज अडानी और अंबानी को बेचे, और यही अडानी अंबानी सस्ते दर पर किसानों का अनाज लेकर के बड़े बड़े मालों में या सरकार को ऊंचे दामों पर बेचेंगे। कुल मिलाकर के नरेंद्र मोदी की ये मंशा है कि जिस तरह से उन्होंने इंडियन ऑयल, रेलवे, संपूर्ण भारत सरकारी उद्यमी, इन अडानी और अंबानी उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, उसी तारतम्य में किसान का अनाज गल्ला भी इन उद्योगपतियों को बेच दिया जाए, ताकि देश की जनता दाने दाने को मोहताज इन उद्योगपतियों के प्रति रहे। जब ये उद्योगपति जिस रेट में देंगे हमको मुहैया होगा। अभी तक किसान हमारा अन्नदाता था, वो हमको रेट में देता था। तो कुल मिलाकर के ये नरेंद्र मोदी की सरकार किसान विरोधी सरकार है। हम लोगों ने पूरे राष्ट्रीय आह्वान पर आज पूरे भारत में किसान सड़कों पर है, अपने अधिकार को लेकर के उन्हीं किसान की लड़ाई को लड़ने के लिए युवक कांग्रेस सिंगरौली द्वारा, हमारे साथ NSUI जिला अध्यक्ष पंकज पांडे भी हैं, पूरी यूथ कांग्रेस की टीम, NSUI की टीम और जिला कांग्रेस की टीम, हम लोग सब मिलकर के आज मशाल जुलूस निकाल करके एक सांकेतिक विरोध किए हैं। आगे किसानों की लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जब तक ये किसान विरोधी बिल नरेंद्र मोदी वापस नहीं लेते हैं तो किसानों। सिंगरौली से उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।